गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी स्टार्टेड चैप्टर फर्स्ट नेशनलिज्म इन यूरोप। वहाँ पे बच्चे हमने क्या पढ़ा था, 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, नाइन्थ में भी आप पढ़ के आए हैं। लेकिन अब इसके नेक्स्ट पार्ट हमारे सिलेबस में है, तो देखिए स्टार्ट वहीं से करते हैं। देयर वर थ्री टाइप्स ऑफ पीपल्स, या थ्री लैंग्वेज वर स्पोकन, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन। दे नीडिड, उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी बच्चे, दे नीडिड डेमोक्रेसी। सो दे स्टार्टेड, उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, प्रोटेस्ट अगेंस्ट मोनार्की सिस्टम। दिस इंसिडेंट इज नोन एज फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन 14 जुलाई 1789। आप ईयर याद रख लेना सिर्फ बच्चे। नाउ देयर वर मैनी चेंजेस केम ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या क्या चेंजेस आए थे बच्चे, कल हम थ्री चेंजेस पढ़ चुके हैं, आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट था पावर ट्रांसफर, फर्स्ट चेंजेस क्या था बच्चे, पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्की टू कॉमन पीपल, यही पढ़ा था। सेकंड, मेजोरिटी किन की थी, फ्रेंच की। देन फ्रेंच एज ए सिलेक्टेड नेशनल लैंग्वेज, फ्रेंच एज ए सिलेक्टेड नेशनल लैंग्वेज। थर्ड चेंज वॉज फर्स्ट पावर ट्रांसफर, सेकंड फ्रेंच, थर्ड चेंज वॉज ट्राई कलर फ्लैग ऑस्ट्रिट। तो बच्चे ये तीन चेंजेस थे ड्यूरिंग दी फ्रेंच रेवोल्यूशन। दोबारा सुन लीजिए, पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्की टू कॉमन पीपल, फ्रेंच सिलेक्टेड एज ए नेशनल लैंग्वेज, ट्राई कलर फ्लैग वॉज ऑस्ट्रिट। ट्राई कलर फ्लैग कौन से कंट्री का था बच्चे, फ्रेंच, क्योंकि मैंने कहा था मेजोरिटी किन की थी, फ्रेंच की। तो ये चेंजेस बच्चे 10 ईयर्स तक चले थे। अब 10 ईयर्स लेटर, विच ईयर केम, 1799, अगेन मोनार्की सिस्टम, बट किंग वॉज चेंज्ड। यहाँ तो लुई 16 था और यहाँ नेपोलियन। अब राजा कौन था इनका, नेपोलियन। नेपोलियन बच्चे अच्छा व्यक्ति था स्टार्टिंग में, तो नेता हर कोई अच्छा होता है स्टार्टिंग में। तो इसने एक सिविल कोड बनाया 1804, इसको नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। आज का हमारा टॉपिक है सिविल कोड पर क्वेश्चन आएगा, तो सिविल कोड का अनदर नेम पूछ लेते हैं मनमा क्वेश्चन में, तो नेपोलियन कोड कहते हैं इसको। कब इम्पोज किया गया, 1804। तो बच्चे इसकी पहले तो हम करेंगे प्लस पॉइंट, अच्छी बात है सिविल कोड की, सबसे पहले तो एडवांटेज की बात करेंगे, प्लस पॉइंट। तो नेपोलियन ने क्या किया बच्चे, सबके लिए सबसे पहली चीज, राइट टू प्रॉपर्टी लेकर आए। राइट टू प्रॉपर्टी कि आप पर जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपकी रहेगी, उस पर राजा का कोई अधिकार नहीं होगा, कोई रोल नहीं होगा। तो इसलिए फर्स्ट जो रोल था सिविल कोड में वो क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी। लोग बहुत खुश हुए, हमारा राजा कैसा होना चाहिए, नेपोलियन जैसा होना चाहिए, इतना अच्छा लाया। फिर वो लेकर आया सेकंड, इक्वालिटी, समानता सारों में। आपस में लड़ाई कर रहे थे तीन तरह के देश लोग थे जो, इसलिए वो क्या लेकर आए, इक्वालिटी लेके, सभी खुश। केवल तो फ्रेंच की मानी जाती थी, अब तो जर्मन इटालियन को भी साथ में समानता मिलती, तो ये भी अच्छी बात होगी। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन लेके आया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन लिख सकते हैं। तो ये सारी एडवांटेज थी बच्चे किसकी, नेपोलियन की। तो लोग तो इसके पैर धो धो के पिए कि पानी पिए कि भाई बढ़िया आदमी है ये, ऐसा राजा कहीं ना किसी को, हर किसी को मिले, कभी वापस ना जाए, तो इसलिए लोग खुश थे। लेकिन बच्चे जैसे टाइम बीतता है तो समय चेंज होते होते इसमें भी चेंज आ गया। अब इसके ड्रॉबैक शुरू हो गए, माइनस पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे। तो सिविल कोड के कुछ ड्रॉबैक भी थे, देखिए क्या क्या थे। फर्स्ट, सबसे पहले बच्चे सेंसरशिप, एक नया वर्ड पढ़ोगे आज आप, सेंसरशिप। ठीक है, सेंसरशिप क्या होती है बच्चे, कि कोई इसके खिलाफ बोल नहीं पाएगा, कोई भी बोलेगा तो उसको गोली मार दे। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, सेंसरशिप उसने लागू कर दी, वहाँ पर इम्प्लीमेंटेड कर दी। पहला क्या था, सेंसरशिप। दूसरा, खर्चा बहुत हो रहा था तो इंक्रीज्ड टैक्स, टैक्स को क्या कर दिया, इंक्रीज्ड कर दिया बच्चे, टैक्स को क्या किया, इंक्रीज। ड्रॉबैक में पहला सेंसरशिप, दूसरा इंक्रीज, तीसरा ये एक्सपेंड करना चाहता था पूरे यूरोप, अपने राज्य को, क्या पूरा यूरोप मैं जीत लूँ। तो इसने लोगों को क्या किया, फोर्स किया बच्चे, फोर्स पीपल, लोगों का किया फोर्स किया टू ज्वाइन आर्मी, क्या ज्वाइन करने के लिए, आर्मी ज्वाइन करने के लिए। तो बच्चे ये इसके ड्रॉबैक थे। आज आपने जो लर्न करना है, सिविल कोड लर्न करना है, इसके एडवांटेज भी
और डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज क्या थे? राइट टू प्रॉपर्टी, इक्वालिटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। और माइनस पॉइंट, ड्रॉबैक, डिसएडवांटेज, सेंसरशिप। फर्स्ट क्या थी? सेंसरशिप, इंक्रीज टैक्स, और थर्ड फोर्स पीपल टू ज्वाइन आर्मी। अब लोग बहुत परेशान हो गए, किससे? नेपोलियन से। पहले इससे परेशान थे तो प्रोटेस्ट किया, ये चेंजेज आ गए थे। लेकिन इसमें सारे राइट्स किसको मिले थे? फ्रेंच को। लेकिन इसने वापस आके इक्वल कर दिया सबको, समानता का अधिकार दे दिया, तो बहुत खुश हुए लोग। लेकिन इसके ड्रॉबैक के कारण वापस लोग क्या हो गए? परेशान हो गए। अब कल की वीडियो में हम देखेंगे बच्चे तो इस परेशानी का समाधान कैसे हुआ, ठीक है? तो ध्यान से बच्चे, प्रॉब्लम क्रिएट करके छोड़ दिया हमने नेपोलियन की, सोल्यूशन कल देखेंगे। तो आप बच्चे नोट भी करें इसे नोटबुक में और मुझे पिक भी भेजिए, ठीक है? आपकी तरफ से ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, 2 or 3 स्टूडेंट्स हैं जो डेली रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है? सभी बच्चे बताएं, समझ आया नहीं आया, क्या डाउट है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे बताएं आप मेरे नंबर पर, ठीक है बच्चे? ओके, थैंक यू, हैव